एपिसोड की शुरुआत कैप से होती, कैप बोलते मुझे इसकी जरूरत नहीं, जिस पर टेव नहीं कहता बिल्कुल है। अगर मेरे लेवल तक पहुंचना है तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, वैसे भी तुम्हें उड़ना नहीं आता और ये तुम्हारी उड़ने में मदद करेगी। टोनी बूट्स को ऑन कर देता है, यहाँ पर कैप उसे संभाल नहीं पाते, जिस पर टोनी कहता कोई बात नहीं, मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट से इसे ठीक कर दूंगा। कैप बोलता कोई जरूरत नहीं है टोनी, तुम्हें लगता है मैं टेक्नोलॉजी से डरता हूँ बल्कि तुम इनके बिना रहने से डरते हो। बताओ टोनी, क्या तुम 24 घंटे बिना किसी टैग के रह सकते हो? चलो टोनी शर्त लगाता है, अगर मैं जीता तो 1 हफ्ते की बेसिक ट्रेनिंग, अगर तुम जीते। कैप की बात टोनी बीच में ही काटते हुए बोलता तो तुम मेरी क्रैश डमी बनोगे। टोनी बोलता तो बताओ कब से स्टार्ट करना है? कैप बोलते अभी से। कैप के चैलेंज के बारे में सभी को पता चल जाता है, इसीलिए सभी टोनी को मिलकर टेक्नोलॉजी से दूर रखने लगते हैं। और यहाँ पर टोनी लिफ्ट भी इस्तेमाल करने नहीं दी जाती, टोनी लास्ट में हार मान लेता है। यहाँ पर कैप बोलते टोनी अभी तो 96 मिनट ही हुए और तुमने टोनी हार मान ली। टोनी बोलता कैप मैं ही नहीं हूँ जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो टेक्नोलॉजी के गुलाम हैं। सभी को कुछ दिन के लिए टेक्नोलॉजी को छोड़ देना चाहिए, जिस पर हॉकाई कहता कि और दाव पे क्या लगा? जिस पर हल्क बोलता जो भी पहले टेक्नोलॉजी यूज करेगा वो मेरे कपड़े धोएगा। टोनी बोलता तो तैरा मुझे पता है कि टेक्नोलॉजी फ्री जगह कौन सी है, हल्क और थॉर तुम दोनों एवेंजर्स टावर पे ही रहोगे, कई दुनिया को एवेंजर्स की जरूरत पड़ गई तो। पर तुम दोनों वादा करो जब तक हम नहीं आएंगे तुम लोग कुछ तोड़ोगे फोड़ोगे नहीं। इसके बाद सभी को टोनी एक ऐसे आइलैंड पे लेके जाता जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता, जहाँ पर अभी भी डायनासोर राज करते। टोनी बोलता इस जगह के आसपास कोई भी डायनासोर नहीं है तो हम आराम से यहाँ रह सकते हैं, और मैंने भी जार्विस को टेक्नोलॉजी फ्री डे बनाने के लिए प्रोग्राम कर दिया और हमारा टाइम शुरू होता है अब। कैप बोलता परफेक्ट टोनी, चल के जंगल में कैंप बनाते हैं। जिसके बाद हमें एवेंजर्स टावर में हल्क को दिखाया जाता जो पॉपकॉर्न बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें जब थॉर मदद करता है तो वो रसोई को जला देता है। हल्क पॉपकॉर्न खाते हुए बोलता कि हल्क को और भूख लगी, जिसके बाद हमें टोनी को दिखाया जाता है। टोनी बोलता इस तरीके से तो हम कैंप नहीं बना पाएंगे, जिस पर कैप बोलते हैं टोनी इस जगह को भी अपनी लैब समझो और उसी तरीके से काम करो। टोनी बोलता है पता है क्या, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम मेरा हौसला बढ़ाते हो। तभी हॉकाई बोलता मुझे भूख लगी, लेकिन तभी वहाँ पे एक फ्रॉग आता है जो हॉकाई का चश्मा खा जाता है और फैल्कन के पास से कूदता हुआ निकल जाता है। फैल्कन यहाँ पर छुप कर कुछ खा रहा होता है और हॉकाई पकड़ लेता है। यहाँ पर फैल्कन बोलता है माँ की कुकीज है। कैप बोलता तो फैल्कन तुम हमें कब देने वाले थे? कैप टोनी और हॉकाई फैल्कन की माँ की कुकीज खाने वाले होते हैं, लेकिन तभी उनकी तरफ तेजी से डायनासोर बढ़ने लगता है। टोनी बोलता सच बोला हूँ दोस्तों, ये वाले डायनासोर यहाँ पे नहीं होने चाहिए थे। तभी उन पर एक डायनासोर हमला करता है और कुकीज को खा जाता है। टोनी बोलता सभी पेड़ों पर चढ़ जाओ, लेकिन टोनी ही पेड़ पे नहीं चढ़ पाता है। तभी वहाँ पर मांसाहारी टीरेक्स आ जाता है जो उन पर हमला करने लगता है। यहाँ पर टोनी और बाकी सबको बचाने के लिए कैप टीरेक्स से लड़ते हैं और उसे भगा देते हैं। टोनी बोलता वो टीरेक्स हम पे हमला करने नहीं आया था दोस्तों, बल्कि वो खुद किसी से डरकर भाग रहा था। तभी टोनी और बाकी सबको एक शॉक वेव महसूस होती है। टोनी बताता ये तो वाइब्रेनियम है। फाल्कन बोलता वो तो अर्थ का सबसे रियल मेटल है, लेकिन वो तो सिर्फ वकांडा में पाया जाता है। तभी वहाँ पे जस्टिन हैमर वीडियो कॉल करके बताता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उस एस्ट्रॉइड के टुकड़े बाकी जगह भी गिरे थे और ये आइलैंड भी उनमें से ही एक है। एक बार बस वो वाइब्रेनियम कबाल तक पहुँचा कर कबाल में अपनी जगह बना लूं, फिर तुम्हें सबको खत्म करना बहुत आसान हो जाएगा मेरे रेक्टर्स, अब खत्म कर दो इन सबको। यहाँ पर टोनी को क्या बोलते, टोनी तुम ही हो जो हैमर को रोक सकते हो और अब जाओ कुछ ऐसा करो जो तुम हमेशा करते हो। टोनी गिरता हुआ बोलता क्या, लेकिन तभी टोनी के सामने एक रॉक मॉन्स्टर आता है। टोनी बोलता हाय मेरा नाम टोनी। यहाँ पर टोनी को वो बस घूरे जा रहा होता है, जिसके बाद हमें हैमर को दिखाया जाता है जो रेड स्कल को बताता कि मैंने तो एक और बेहतर करने के लिए वाइब्रेनियम के साथ 3 एवेंजर्स को भी रखा है। रेड स्कल बोलता बकवास बंद करो, मुझे बस वाइब्रेनियम चाहिए। जिसके बाद हमें टोनी को दिखाया जाता है, टोनी को वो रॉक मॉन्स्टर अपने झुंड के पास ले जाता है और बताता कि मेरा नाम ब्रॉक है, तुमसे भी पहले कई इंसान यहाँ पे आ चुके हैं, उन्हीं से हमने ये लैंग्वेज सीखी है। टोनी बोलता बहुत बढ़िया, तब तो हम सब मिलकर आराम से उस हैमर को हरा सकते हैं। ब्रॉक बोलता इंसान हम नहीं, हम तो सिर्फ मामूली बिल्डर्स है जो अपने घर बनाते हैं, वो भी अपनी जैसी चीजों से। टोनी बोलता ठीक है तुम लड़ोगे नहीं तो कुछ बनाने में मदद ही कर दो। ब्रॉक बोलता हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद हमें एवेंजर्स को दिखाया जाता है जिन्हें हैमर के रेप्टल्स ने पकड़ लिया होता है। रेड स्कल को हैमर कॉल करता है। रेड स्कल बोलता कि पहली बार मैं तुमसे इंप्रेस हुआ हूं हैमर, बट टोनी स्टार्क कहां पर है, अगर वो नहीं मिला तो अपनी जगह भी कबार में भूल जाओ, लेकिन उससे पहले इन सबको खत्म कर दो। और वो रेप्टल्स एवेंजर्स को मारने के लिए बढ़ने लगते, लेकिन तभी नए सूट के साथ टोनी वहां पर पहुंच जिसे देखकर हैमर जोर जोर से हंसने लगता और बोलता सच में पत्थर, मेरे रैप्टर इसे भी खत्म कर दो। टोनी लड़ते हुए बोलता ये पत्थर बस 1 इंच मोटे और काफी हल्के भी, पर इनकी मजबूती स्टील जैसी है। और सभी एवेंजर्स मिलकर रैप्टर्स को हरा देते हैं और टोनी का इशारा मिलते ही रॉ अपने झुंड के साथ मिलकर हैमर पे हमला कर देता है, जिससे हैमर का ड्रिलिंग मशीन टूट जाता और हैमर भड़क कर बज़ूका से कैप पर हमला करने जाता, लेकिन टोनी उस वार को खुद पर ले लेता है। पर हैमर के दूसरा वार करने से पहले ही टोनी बज़ूका की बैटरी निकाल
निकाल लेता है और भर कर उसे मुक्का मारता है। इससे टोनी के हाथ में चोट लग जाती है। टोनी बोलता है, कैप बिना आर्मर के तुम ऐसा मुक्का मार कैसे लेते हो? कैप बोलता है, बिना आर्मर के कभी ट्रेनिंग रूम में आना, तुम्हें भी सिखा दूंगा। तभी ब्रॉक और उसका झुंड वहां पे आता है। टोनी बोलता है, ब्रॉक काफी अच्छी मिसाइलें बनाने लगे हो। तभी जारिस बताता है, सर आपके टेक्नोलॉजी फेज 24 आवर पूरे हो चुके हैं। और जैसे एवेंजर जेट विजिबल होता है, हॉकाई और फाल्कन बोलता है कि हमें व्हाट्सएप चेक करना, और तुरंत स्पेसशिप के अंदर जाते हैं। ब्रॉक एक बड़ा सा फ्रॉग देते हुए बोलता है, ये हमारी तरफ से तोहफा है। और हाँ टोनी, तुम इस तोहफे को मना नहीं कर सकते हो। स्पेसशिप के अंदर फ्रॉग को रखते ही हॉकाई और फाल्कन दौड़ते हुए बाहर आता है, क्योंकि फ्रॉग बस से बहुत ही गंदी बदबू आ रही होती है। जाते हुए टोनी बोलता है, ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मैं अपने गैजेट्स के बिना भी रह सकता हूं। तो बताओ कैप्टन, ट्रेनिंग कब से शुरू करनी है? कैप बोलते इस मेंढक की बदबू जाने के बाद से। टोनी जब एवेंजर्स टावर पहुंचता है तो वो देखता है पूरा एवेंजर्स टावर बर्बाद हो चुका होता है। थॉर और हल्क दोनों ही बोलते ये हमने नहीं किया और वहां से चले जाते हैं। और दोस्तों उसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं।